कृषि विधेयक और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शामली के गुरुद्वारा तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम किया। भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर अपना समर्थन दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक सैनी और शहर अध्यक्ष अनुज गौतम के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन को अपना समर्थन पत्र सौंपा। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन देकर बाक्यू के चक्का जाम को समर्थन दिया और उन्होंने किसानों की समस्याओं के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। नारेबाजी करते हुए पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की। और कब तक आप लोग यहां बैठेंगे? जो देश में किसान विरोधी 3 अध्यादेश भारत सरकार ने पास किए उनके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन का देश भर में चक्का जाम है, उसी के तहत हम सब लोग यहाँ शामली के तिराहे पर बैठे और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कराया कि 4 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम रहेगा, तो हम भी 4 बजे तक यहाँ बैठे। अच्छा, तो आप लोग जो जाम कर रहे हो, क्या मांग आप लोगों की है? देखो, हमारी सरकार तो कह रही कि हमारे जो किया हमने ठीक किया है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हमें उसमें एक ही दिक्कत आ रही कि आने वाले समय में हम ये चाह के उसमें लिखित में ये जोड़ा जा के MSP लागू हो और MSP से नीचे खरीद अगर हो तो वो संज्ञेय अपराध होना चाहिए। एक तो हमारी मुख्य मांग ये है। एक इन्होंने जो ये कराया अनिश्चित भंडारण के एक समय में व्यापारी खरीद के अनिश्चित भंडारण करेगा और उसे बाद में बाजार में जो अपनी मर्जी पे बेचा जाएगा, तो इससे किसान का शोषण होगा क्योंकि किसान से बहुत सस्ता खरीदा जाएगा और वे बाद में महंगा बेचेंगे। और मंडी शुल्क, जैसे मंडी खत्म करने की व्यवस्था करने जा रही है कि जब मंडी शुल्क खत्म कर दिया जाएगा तो आगे आने वाले समय में मंडियां खत्म हो जाएंगी, और जब मंडियां खत्म हो जाएंगी जो बहुत किसान ने लड़ाई लड़के 70 साल में बड़े व्यापारियों से निकल के अपनी फसल मंडी में बेचने का प्रावधान था, वो खत्म होकर हमें फिर आने वाले समय में बड़े व्यापारियों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा कि बड़े व्यापारी ही जो भाव तय करेंगे हमें उस पर बेचना पड़ेगा। अच्छा,